हाजरीन, मैं ये चाहता हूँ कि हसनैन दिलकश साहिब बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं और मैं उनके लिए ये बात कहूँ कि जब आप उनको सुनेंगे तो यकीनन जो घर में लोग सो रहे अगर उनकी आंख खुलगी तो यकीनन मैं आपको सच बता रहा, जब ये पढ़ेंगे तो वो यहाँ यहाँ पंडाल में आके बैठ जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है, ये चार मिसरे पढ़ता हूँ मैं, उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं जमाल हाशमी साहब, के जुबू हाली में भी जीने का एक अंदाज देती है। क्या कहने, वाह। मैं जब मस्ती में होता हूँ नई परवाज देती है। वाह। घनेरे होने लगते हैं कभी जब यास के साए। क्या कहने, वाह। गजल परियों की बस्ती से मुझे आवाज देती है। हसनैन दिलकश माइक पर आए और हज़रत मोहतरम, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। हज़रत, मेरी खुशनसीबी ये है जनाब जमाल हाशमी साहब रसाइल के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए जो अशार हम तक पहुंचते थे, मैं दौरान निज़ामत गालबन 8 या 10 साल से उनके अशार पढ़ रहा हूं निज़ामत के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह उन अशार के ज़रिए मेरी भी पजीराई हो रही है। ऐसी शख्सियत के बीच में पढ़ना बड़ी खुशी की बात है। आज हमारी ये खुशनसीबी है कि उनकी मौजूदगी में हमें पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। हजरत, एक सर्वे के मुताबिक गालबन 8 लाख मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने गैर मुस्लिमों में शादी की है। ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर हमें काम करना चाहिए। मैंने एक मतला कहने की कोशिश की है और ये सब जो हुआ उसकी एक वजह मैंने निकाली है, उस वजह का मतला बनाने की कोशिश की है। अगर मैंने सच कहा हो तो आप तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए, दुश्मन के बद नजर से बचाया न जाएगा, दुश्मन के बद नजर से बचाया न जाएगा, घर बेटियों को दीन पढ़ाया न जाएगा, घर बेटियों बहुत शुक्रिया हजरत, मैं खुशी हो रही है कि अच्छे मतले की आपने हिफाजत की। मैं फिर हाजिर करता हूँ। दुश्मन के बद नजर से बचाया न जाएगा, बचाया न जाएगा, घर बेटियों जाएगा, घर बेटियों को दीन पढ़ाया न जाएगा। और दोस्तों, जब से मोबाइल आया तब से कलामुल्लाह की तिलावत कम हो गई। अगर ये सच है तो मेरा साथ देना, मैं ये शेर पढ़ता हूँ। कसरत से हमने घर में तिलावत न किया गई, कसरत से हमने घर में तिलावत न किया गई, शैतान का से साया न जाएगा, शैतान का म
मकान से साया न जाएगा। जमाल हाशमी साहब ने मुझे नवाज दिया, मेरे लिए सनत का काम है, सनत की बात है, मुझे सनत मिल गई। ये शेर भी पढ़ता हूँ, अगर सच्चा साबित हो जाए तो आप तमाम हजरत की दुआएं चाहता हूँ। बचाया न जाएगा हमने गुनाह करके यहाँ तो छुपा लिए, हमने गुनाह करके यहाँ तो छुपा दिए, महशर में कोई ऐब छुपाया न जाएगा। हजरत मोहतरम हाजी वसी साहब खुश नसीबी की और क्या बात, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं भाई, हमारे बुजुर्ग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं फिर हाजिर करता हूँ ये शेर कि हमने गुनाह करके यहाँ तो छुपा लिए, हमने गुनाह करके यहाँ तो छुपा लिए, महशर में कोई ऐब छुपाया न जाएगा, महशर में कोई ऐब छुपाया जाएगा। दोस्तों एक शेर जो है बड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वाकई में ये बात मैंने सच कही है, ऐसा हो रहा है हमारी कौम के अंदर। क्या नहीं पढ़ता हूँ कि अफसोस है से लोग भी मस्जिद के सदर हैं, अफसोस है से लोग भी मस्जिद के सदर हैं, कलमा भी एक जिस सुनाया न जाए, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ जी, मैं हाजिर करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। के अब बहुत शुक्रिया आपका। अफसोस है से लोग भी मस्जिद के सदर हैं, अफसोस है से लोग भी मस्जिद के सदर हैं, कलमा भी एक जिस सुनाया न जाएगा, कलमा भी एक जिसे सुनाया न चाहेगा। और दोस्तों एक दर्द जो है, देखिए बात ऐसे, दोस्तों एक दर्द है, मैंने वो कहने की कोशिश की है, और देखिए हक बात कहने से कभी चुपना नहीं चाहिए। मैं पढ़ता हूँ कि मस्जिद गिरा के आपने मंदिर बना लिया, मस्जिद गिरा के आपने
मंदिर बना लिया। ये वो सितम है जिसको भुलाया न जाएगा। मस्जिद गिरा के आपने मंदिर बना लिया। मस्जिद गिरा के आपने मंदिर बना लिया। ये वो सितम है जिसको भुलाया न जाएगा। ये वो सितम है जिसको भुलाया। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हजरत मोहतरम, ये जो फिलिस्तीन की जंग चल रही है, इसमें कई लोगों का कहना ये है कि इस्लाम का चराग बुझकर रहेगा, लेकिन मैंने एक शेर कहने की कोशिश की, अगर सच कहा हो तो तमाम हजरत की तायद चाहता हूँ कि भुलाया न जाएगा। रोशन किया है जिसने हिफाजत करेगा वो। रोशन किया है जिसने हिफाजत करेगा वो। इस्लाम का चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम का वाह 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 बहुत बढ़िया। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 जी मैं हाजिर करता हूँ। हुक्म हुआ है कि रोशन किया है जिसने हिफाजत करेगा वो। रोशन किया है जिसने हिफाजत करेगा वो। इस्लाम का चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम का दोस्तों बड़ा पाकीज़ा शेर इसमें रह गया था, मैं भूल गया था, वो मैं हाजिर करता हूँ कि हम पाँव रोज धो के पिए वालिदैन के। हम पाँव रोज धो के पिए वालिदैन के। तब भी तो कर्ज उनका चुकाया न जाएगा। तब भी तो कर्ज उनका चुकाया न जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जो निजामत करता है उसको बाहसियत शायर के नहीं सुना जाता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुन लिया। अब आइए दोस्तों इस तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मैं उस शायर के दरे समात पर दस्तक देने जा रहा हूँ जिसकी